जो बुजुर्ग और शिक्षक के दौर में काफ़ी इनके पढ़ाए हुए क्षेत्र में लोग आज भी सर्विस भी करते होंगे, बहुत सारे लोग हैं, और ये जिनके सौजन्य से यहाँ पर आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं पंडाल के नीचे, ये रंजन वाजपेयी जी हैं और गुड्डू वाजपेयी उर्फ अखिलेश वाजपेयी के पिताजी हैं। और हमेशा पुत्र के साथ पिता का और माँ का जो व्यवहार होता है वो अलग ही होता है। आज इनके भी चेहरे पे काफ़ी खुशियाँ दिखाई दे रही हैं, फूले नहीं समा रहे हैं, लेकिन बात करते हैं आपको कैसा लग रहा है आज, बताएं मास्टर साहब आपको कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा, तो ऊपर वाली कृपा है। कितने वर्षों के बाद आपने पोती और पोतों का जो है मुंह देखा? ऊपर वाली कृपा है तो। लगभग कितने वर्षों के बाद? मालूम 80 साल हो रही है। 80 साल की उम्र के हैं अखिलेश उर्फ गुड्डू वाजपेयी के पिताजी रंजन वाजपेयी। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आज भगवान के? नहीं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया, बिल्कुल वही महसूस कर रहे हैं जो राम के जन्म के बाद दशरथ ने महसूस किया था। और ये तो दशरथ के भी पिता हैं, तो इनके इनकी खुशी की तुलना किसी ऐसा कोई उदाहरण मिलता ही नहीं जिससे की जा सके। बहुत अच्छी बात बताई, ये वास्तव में आप देख सकते हैं अभिभूत हैं। हर व्यक्ति एक दूसरे के उस चेहरे पे मुस्कान की किरण एक दिखाई दे रही है, वास्तव में जो देखते ही बनती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के साथ। खुशी का दिन है जो हर चेहरे पे मुस्कान, लोगों की खुशियों का ठिकाना नहीं दिखाई दे रहा। और इस सूबेदार वाजपेयी डॉक्टर जो व्यापार मंडल के हमेशा गरीबों के साथ सुख दुख में शामिल रहते हैं, अध्यक्ष भी, और उनके सुपुत्र हैं, उनके सपनों को साकार कर रहे हैं, बात करते हैं उनके साथ में, थोड़ा परिचय करते हैं। अवधेश वाजपेयी छोटे चाचा दीपू के जो है यहाँ दिखाई दे रहे हैं। आज इतना बड़ा विशाल काय जो दिखाई दे रहा है, एक चर्चा लोगों की जुबानी बना हुआ है। महेंद्र पत्रकार जी भी यहाँ पे कलमकार दिखाई दे रहे हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति बचा नहीं जो यहाँ पे दिखाई ना दे, छोटा बड़ा अमीर गरीब सभी लोग दिखाई दे रहे हैं। क्या ऐसा यहाँ पर है? और कोटेदार ठीक हैं, कोटेदार भी दिखाई दिए। हर व्यक्ति दंबा के आशीर्वाद से हमारे बड़े भैया अखिलेश वाजपेयी और गुड्डू भैया को करीब शादी के 26 साल बाद पुत्र और पुत्री की एक कोई तारीख क्लियर नहीं है। अब ये 25-26 साल हो गया। हाँ, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आपके परिवार में इस प्रकार की एक मतलब अलग ही जो है ख्यात प्राप्त हुई? बहुत धन्यवाद हमारे साथ चैनल का। जैसा कि आप देख रहे हैं पूरी तरीके से ये रेवसा सेची है, उसको सजाया गया है, और आज ये अवसर किसकी वजह से मिला है एक पंडाल के नीचे पूरी बात करते हैं, क्योंकि आज पूरा कस्बा रेवसा में अमीर और गरीब के चेहरे पे और हर खुशी की एक मुस्कान दिखाई दे रही है। लग रहा है पूरी तरीके से जब राम वनवास गए थे और जब वापस लौटे थे तो पूरी अयोध्या को सजाया गया था, उसी प्रकार यहाँ पर आज रेवसा सेहची को सजाया गया है। ये दुर्भाग्य है कि यहाँ पर कोई बड़ा हवेली या मतलब कोई इमारत भवन नहीं है, तो मजबूरी में रेवसा सेहची को सजाया गया है। लेकिन यहाँ पर बात करते हैं, बीच में फिर तस्वीर एक दिखाई दे रही है, मुड़ मुड़ाए और माछा घुटाए हम जानन कोल्डी शायर, एक जुमला याद आता है। और ये सब कार्यक्रम शुभ की ओर इंगित करते हैं, क्योंकि ये गुड्डू वाजपेयी हैं अखिलेश वाजपेयी जी और रंजन वाजपेयी के सुपुत्र हैं। आज जो इतना बड़ा जनसैलाब दिखाई दे रहा है तो ये इनकी वजह से यहाँ पर मिला है। बात करते हैं यहाँ पर हर आदमी बेताब है इनके साथ सेल्फी लेने को, क्योंकि रुपये पैसे तो सभी के पास होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी दौलत अगर किसी के पास पुत्र नहीं है, रथ और कन्या नहीं है, वो सोचता है कि एक कन्या ही हो जाए। लेकिन आज करीब 28 और 25 वर्षों के बाद तकरीबन जो है इनको पुत्र रत्न और धन की प्राप्ति हुई है, कन्या रत्न की। आज उसी में इनके चेहरे की जरा मुस्कान देखिए किस कदर से झलक रही है, और उनके साथ में पूरा कारमा यहाँ पे जुटा हुआ है। हम बात करते हैं यहाँ पर राम लक्ष्मण की जोड़ी दिखाई दे रही है जो शिक्षक संघ इकाई के महेंद्र सिंह महेंद्र पांडे और महामंत्री जो सच्चिदानंद अवस्थी और सीपी शुक्ला जी। सर थोड़ा सा हम
ये चलते नजर आ रहे हैं क्योंकि इनको बेताब है कि हर व्यक्ति से मिलना चाहते हैं, हर व्यक्ति इनको जो है वो कर रहा है तो सेल्फी लेके। लेकिन हम बात करते हैं यहाँ पर एक पंडाल के नीचे जो है सत्यनारायण अवस्थी से। सर बताइए कहाँ है? आज का दिन बहुत हम लोगों के लिए उत्साह भरा है क्योंकि हमारे रिश्तेदार भी हैं और व्यवसायी व्यवसाय क्षेत्र के हैं, जैसे परिवार से हैं, उनको बड़े दिनों के बाद उनकी प्राप्ति हुई है। हम लोग लगभग कितने दिनों की प्राप्ति हुई है? कितने दिनों आपके जब रिश्तेदार हैं कितने वर्षों बाद, तो आपसे कुछ तो बताया होगा और कैसा महसूस कर रहे हैं? नहीं, महसूस सब पूरा गांजर क्षेत्र आनंदित है, रेवसा आनंदित है, खुशी का माहौल है, खुशी की पार्टी हो रही है, तो कुछ तो खुशी का माहौल है ही है। और हमारी समझ से तो दादा की एज 50 से ऊँचे ही होगी क्योंकि 45 से हम ही है, 50 से ऊँचे हो ही है। उसके बाद पुत्र रत्न और कन्या जुड़वा हुए हैं तो उसी की दावत हम लोग उड़ाने आए हैं। बहुत अच्छी बात बताई। अब संदीप मिश्रा से बात करते हैं, ये संदीप वाजपेयी के साले हैं। आपको कैसा लग रहा है? आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। और कैसा महसूस कर रहे हैं? गुड्डू वाजपेयी दादा जी को बहुत बधाई और उनकी खुशी में हम सब सारी है। और बड़ा अच्छा लगा कि किसी व्यक्ति का परिवार पूरा हो गया, इससे बढ़कर कोई खुशी नहीं होती। सॉरी मैं बोलता हूँ, क्यों? कारण यह है कि ये संदीप वाजपेयी के भानोई हैं, वो अलग बात है कि थोड़ा निकल गया अलग। अच्छी बात। दोस्तों सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पूरी तरीके से एक कस्बा रेवसा का सीएसटी टिमटिमाते तारों की तरह जो है सजा हुआ है बैलून, और पूरी तरीके से आप देख सकते हैं ये तस्वीरें। और मैं हूँ रेवसा सीतापुर प्रेम वाजपेयी टूटी फूटी आवाज़ में, क्योंकि आज ये बड़े हर्षोल्लास का दिन दिख रहा है जहाँ पर आज रेवसा सीएसटी को पूरी तरीके से सजाया गया है। लेकिन इसकी जानकारी हम लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि जो मामला आ रहा है करीब 28 और 30 वर्षों के बाद एक पुत्र रत्न और एक कन्या रत्न की प्राप्ति हुई है यहाँ पर। और गुड्डू वाजपेयी जो हमारे दैनिक कभी पत्रकार थे और अभी भी हैं, और उनके साथ में काफ़ी जनसैलाब दिखाई दे रहा है। हम पूरी बात करते हैं जो आज विशाल काय ये भंडारा चल रहा है एक पुत्र रत्न की प्राप्ति और कन्या की रत्न प्राप्ति के पर। पूरी बात करते हैं। पूरी तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कस्बा रेवसा में सीएसटी पूरा एक खुशियों का इजहार करता नजर आ रहा है। हर व्यक्ति भोजन और भंडारे में प्रसाद ग्रहण कर रहा है। दिखाते हैं यहाँ पर जिनके सौजन से इतना बड़ा एक पंडाल के नीचे हम लोगों को अवसर मिला है यहाँ पर इकट्ठा होने का, क्योंकि करीब तकरीबन 28-30 वर्षों के बाद, और ये तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, ये गुड्डू वाजपेयी जी हैं, रज्जन वाजपेयी के सुपुत्र हैं, और उनके साथ में काफ़ी जुमला दिखाई दे रहा है, उसमें कुछ तरीके के अलग जो नज़रें कैमरे के अंदर गड़ाए हुए हैं उनकी मानसिकता अंदर से कुछ और है और बाहर से कुछ और हैं, ये भी दिखाई दे रहा है, लेकिन वो हंसते जा रहे हैं। लेकिन आज हम बात करते हैं क्योंकि इतना विशाल काय भंडारा और इस कन्या रत्न प्राप्ति और पुत्र रत्न प्राप्ति के पर इतना विशाल बहुत कर रहे हैं, हम बात करते हैं पूरी और अपने चैनल के माध्यम से हम जानकारी देंगे टूटी फूटी आवाज़ में कैसा महसूस कर रहे हैं। काफ़ी प्रतिष्ठित और गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, ऐसा कोई बचा नहीं है जो इस पंडाल के नीचे एक छत के नीचे दिखाई न दे रहा हो। अमीर और गरीब सभी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि खचाखच पंडाल भरा हुआ है और टिमटिमाते तारों की तरह से ये सजाया गया है बैलून, और ये सब देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। और हर व्यक्ति आज चेहरे पे मुस्कान और खुशी का इजहार करता जा रहा है। कुछ हस्तियाँ यहाँ पे काफ़ी दूर से चल के आई हैं लखनऊ से, हम उनका भी परिचय जानना चाहेंगे अपनी टूटी फूटी आवाज़ में, और उन लोगों की तस्वीरें भी हम दिखाना चाहेंगे क्योंकि वो काफ़ी कलमकार भी हैं और समाज के सेवी भी हैं। सर आपका परिचय जानना चाहेंगे। शुक्ला। अच्छा सर आप? सर सर्वेश शुक्ला। अच्छा सर शुक्ला, जरा देख सकते हैं इनकी व्यवहार कुशलता और इनका आचार और विचार और संस्कार किस कदर से हाथ जोड़कर उसके बाद जो है बताया, यही है हमारे भारत की संस्कृति। और ये गुड्डू वाजपेयी जी हैं और इनके सौजन्य से आज इस पंडाल के नीचे आज हम लोगों का अवसर मिला, और ये हैं पूर्व प्रधान रेवसा कस्बा के जो है
बिहारी पोरवाल के भाई किशोरी पोरवाल, काफ़ी ये कभी कभी अपने उससे बात नहीं आते हैं वो अलग बात है, लेकिन ये अच्छे व्यक्ति। सर ये बताइए, आज इतना बड़ा विशाल भंडारा जो हो रहा है, क्या कैसा महसूस कर रहे हैं? सब लोगों की कृपा है, आप लोगों का आशीर्वाद है, यही सब उससे चल रहा है। अच्छा ये बताइए, जो ये आपको पुत्र रत्न की और कन्या रत्न की प्राप्ति हुई है, कैसा महसूस कर रहे हैं और कितने वर्षों के बाद? जैसा कि ये कि पिता को महसूस होता है वैसा ही महसूस कर रहे हैं। लेकिन आज आपके दिल की और चेहरे की जो मुस्कान है वो अलग ही कुछ छटा बिखेर रही है। सब आप लोगों की स्नेह और प्यार है, और जितना ये जनसमूह और जनसैलाब ये बता रहा है, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? ये सब नहीं, सब लोगों का स्नेह बना रहे, प्यार बना रहे, आशीर्वाद बना रहे। कितने वर्षों के बाद आपको पुत्र रत्न की और कन्या रत्न की प्राप्ति हुई? लगभग 25 साल हो रहा है, जरूर 25 साल के बाद ऐसा समय आया है, तो आप लोगों का जो है स्नेह प्यार मिला, आशीर्वाद मिला, यही सब प्रभु की कामना है, आशीर्वाद। काफ़ी गदगद हैं और अभिभूत हैं, आप ये समझ लीजिए कि किस कदर से अभिभूत है, और उनके कंधे से कंधा मिलाकर पूरा जनसैलाब ये बता रहा है कि यहाँ पर करीब 25-26 वर्षों के बाद आज एक पुत्र रत्न और कन्या रत्न की प्राप्ति हुई है। और आप देख सकते हैं पंडाल के नीचे किस कदर से कोई ऐसा व्यक्ति बचा नहीं है जो यहाँ पे दिखाई नज़र ना आ रहा हो, और पूरी तरीके से श्री और सौदाई सभी रोड चलते हुए लोग इस भंडारे में शामिल हो रहे हैं पूरी तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल के साथ उपस्थित हुए, आप लोगों का मैं आभारी हूँ, क्योंकि इस नालायक को लायक समझ करके और आप लोगों ने तवज्जो दिया, बहुत बहुत आभार और जानकारी दी। क्योंकि जैसा कि देखा जा रहा है कि इस चैनल के माध्यम से हमारे गांधरी टूटी फूटी आवाज़ में और इतनी बुलंदियों तक गया है, अपने सभी दर्शकों का मैं आभार प्रकट करता हूँ, और अगर आप न होते तो हम न होते, क्योंकि आप लोगों की मेहनत है जो इतनी बुलंदियों तक ये चैनल गया है। और खबरों को शेयर और लाइक ज़रूर करें ताकि लोगों को जानकारी हो सके आज भी हमारे भारतीय संस्कृति की जो है कितनी संस्कार और अच्छा महसूस कर रहे हैं। पिता और पुत्र एक साथ खुशी से झूम रहे हैं, इनकी खुशियों का ठिकाना नहीं है, क्या पाएं क्या लुटा दें। लेकिन यहाँ पे दिखाई दे रहा है और जनसैलाब तस्वीरों में आप भी देख सकते हैं कि किस कदर से जो किसी को नहीं मिला वो आज अपनी खुशियों को पा करके सबसे बड़ी अभिभूत अपने को महसूस कर, जैसा कि यहाँ अरे यहाँ पे देख रहे हैं कि पूरी तरीके से, हालांकि जो चोर की दाढ़ी में तिनका होता है तो उनको पहले से ही वो हो जाता है, जबकि यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन यहाँ पे संग्राम सिंह प्रधान दिखाई दे रहे हैं जो प्रेम प्रकाश कमला देवी के प्रबंधक हैं, और वास्तव में बहुत ही शिक्षक के दौर में अपनी अलग और छटा अलग ही बिखेर रहे हैं, और बहुत समाज सेवी व्यक्ति हैं, लोगों के शुभचिंतक हैं, यहाँ पे दिखाई रहे हैं, उनके साथ में वीर सिंह भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन थोड़ा भाग गए कमरा चमकते ही, समझ में नहीं आया, और बहुत ही हमारे क्षेत्र के सम्भ्रांत और गणमान्य व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्तित्व के धनी, लेकिन कैमरे के सामने आने से वो लोग भड़क जाते हैं, पता नहीं क्या हो जाए। लेकिन आज इस पंडाल के नीचे आए, हम थोड़ा बात करते हैं, यहाँ कैसे आए थे आप? कैसे आए थे यहाँ बड़े भाई साहब? फंक्शन में आए हैं। क्या फंक्शन था? ये बालक और बालिका, बड़े भाई। कितने वर्षों के बाद हुआ है, किसके हुआ है? मिस्टर अखिलेश वाजपेयी जी के। अच्छा, आप देख सकते हैं किस कदर से यहाँ पे पूर्व प्रधान राजू बमनेवा भी मौजूद हैं, वास्तव में राजू प्रधान भी बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं, जो कि उनकी चर्चाएं जुबानी और लोगों के दिलों की धड़कन में बस रही हैं, आप देख सकते हैं। तिवारी जी भी हैं और काफ़ी लोग हैं, देख सकते हैं कि आज इस पंडाल के नीचे ये अवसर मिला यहाँ पे आने के लिए, और यहाँ पे दिखाई दे रहा है काफ़ी लोग खुशी महसूस कर रहे हैं, और आज इनके चेहरे की मुस्कान बता रही है और छटा अलग ही बिखेर रही है। इतना कभी खुशियों का इजहार इनके चेहरे पर नहीं देखा, काफ़ी परेशानियों से घिरे रहे, और इनके सामने ही इनका बालक एक चला गया, लेकिन जो आज ये खुशी महसूस कर रहे हैं वास्तव में इनसे बात करते हैं। सर कैसा महसूस कर रहे हैं आज? हम बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं, क्यों मेरे परिवार में, मेरे घर में इस चीज़ का बड़ा अभाव था, जिससे हम लोग बड़ा दुखी रहते थे, कि सब कुछ भगवान ने दे रखा था, और हमारी तरफ एक पोता जो है
स्पीकर नहीं था, लोग दुखी रहते थे, लोगों को अपार प्रशंसा है। और वास्तव में जैसा कि देखा, रेवसा के व्यापारी संगठन के अध्यक्ष भी रहे और दुख सुख में हर व्यक्ति के साथ खड़े रहे, और आज इनकी खुशी जो वास्तव में देखी गई वो देखते ही बनती है, और सारा हर व्यक्ति एक छत्र छाया के नीचे, पंडाल के नीचे दिखाई दे रहा है। इन्होंने भी काफ़ी, कितने वर्षों के बाद ये पुत्र रत्न और कन्या रत्न की प्राप्ति हुई है? तीस साल। अच्छा, और वाजपेयी जी की जो नई शादी हुई थी वो कितने वर्ष बाद हुई है? तीसरा साल। अखिलेश वाजपेयी जी की क्या उम्र होगी लगभग? 52 साल। बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे चैनल के साथ उपस्थित रहे, लेकिन इनकी खुशियों का आज ठिकाना नहीं रहा, गदगद हैं काफ़ी, मेरा उपहास उड़ाते हैं, लेकिन मैं अपने कर्मों से नहीं हटता, और कर्म ही प्रधान और पूजा होता है। कुत्ते भौंकते रहते हैं और हाथी अपनी चाल चलता रहता है, लेकिन यहाँ पर तस्वीरें बता रही हैं कि वास्तव में आज इस पंडाल के नीचे अच्छे लोग, थाना थान गांव प्रभारी फूलचंद सरोज और श्यौता के विधायक चौकीदार के छोटे अनुज लक्ष्मण जिनको कहते हैं, लखनलाल भी कहते हैं, और काफ़ी रेवसा सेष्टी में बेहतर सेवा दे रहे संदीप वाजपेयी जी, काफ़ी लोगों का क्योंकि इतना बड़ा कुनबा है और जनसैलाब उमड़ा हुआ है, इस पंडाल के नीचे नाम ले पाना मुश्किल है, लेकिन मैं अपने चैनल के माध्यम से टूटी फूटी आवाज़ में लोगों को जानकारी देने का काम करता हूँ। खाकी वर्दी भी दिखाई दे रही है, लेकिन वास्तव में जो आज इस पंडाल के नीचे खुशियों का इजहार और जो देखने को मिल रहा है वो देखते ही बनता है। अक्षोहा के प्रधान कृष्णानंद भी दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर जीतू वाजपेयी जी भी दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी लोग दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग अपने कैमरे के, मेरे चैनल के नीचे आने के लिए काफ़ी लोग इधर उधर से कैमरे के सामने आना भी चाहते हैं, लेकिन मैं कभी नहीं चाहता, क्योंकि मैंने इस बात को सोचा और देखा है, लोग हमेशा बुराई करते हैं, लेकिन आज यहाँ पर हम बात करते हैं फूलचंद सरोज से, और बहुत अच्छे और कर्मठ अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर रहे हम बात करते हैं यहाँ पर, और इतनी खुशियाँ उनके चेहरे पर झलक रही हैं, और छोटे भाई लखन और लक्ष्मण की जो वास्तव में भूमिका में दिख रहे हैं, क्योंकि मैं इनको लाइक नहीं करता हूँ कतई, लेकिन इनके संस्कारों को, इनके विचारों को मैं पसंद करता हूँ। सर, कहाँ आए थे आप? थैंक यू, आपकी सेवा में। बहुत अच्छी बात है, बात करते हैं संदीप वाजपेयी से, क्योंकि रेवसा सेष्टी में बेहतर सेवा दे रहे हैं, वास्तव में इनकी जितनी भी तारीफ की जाए वो वास्तव में कम है, सराहनीय है। आज आप एक स्टार लगा के बैठे हुए हैं, और जो जिम्मेदारी दी गई है वो सबको नहीं मिलती। आज हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री अखिलेश वाजपेयी गुड्डू जी, उनके जो है पुत्र और पुत्री रत्न के रूप, कितने वर्षों के बाद प्राप्त हुई? लगभग विवाह के 35-35 सालों के बाद। हाँ, तो आज उनके घर में जो किलकारी आज से 27 दिन पहले गुजी थी, आज उसी के उपलक्ष्य में जो अपने हिंदू समाज में जो बच्चे मूल में होते हैं उनका सतैसा कार्यक्रम होता है। अच्छा, तो उसी सतैसा कार्यक्रम के उपलक्ष्य में जो हवन त्याग रात मानस का पाठ हुआ, हम लोगों ने रात भर खूब भगवान राम का नाम लेकर के आनंद पूर्वक पाठ किया, और आज उसी के शुभ उपलक्ष्य में प्रीति भोज का आयोजन किया गया है। बेहतर सेवा और बेहतर जानकारी दे रहे संदीप वाजपेयी जी, वास्तव में आप देख सकते हैं कितना यहाँ पे हर पंडाल के नीचे जो भी व्यक्ति उपस्थित है वो गदगद महसूस कर रहा है। जो आज पुत्र पुत्री रत्न की प्राप्त हुई है, ये सब बाबा केदारनाथ जी के आशीर्वाद से संभव हुआ है। बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन केदारनाथ पिताजी जो है हमारे बादशाह साहब श्री राजेंद्र प्रसाद वाजपेयी जी, वो भी गए थे? हाँ, तो हम लोग दो तो पहले इतना बड़ा सौभाग्य केदारनाथ और बद्रीनाथ जाने का कैसे मिला, क्योंकि काफ़ी दुर्लभ कठिन रास्ते हैं, पहाड़ों के बीच की गुफाओं में लोग कर जाते हैं अपनी जान जोखिम में डाल करके, तो लेकिन कैसे पहुंचे आप वहां, किसके सौजन्य से पहुंचे? तो हम लोग चार धाम यात्रा का कार्यक्रम बनाए थे, उसी में सभी लोग साथ में गए थे, तो वहां जब केदारनाथ बाबा में पहुंचे तो केदारनाथ बाबा का मंदिर ऊपर है,
और वहाँ पे नीचे जो है मंदाकिनी गंगा बहती है, तो हम जहाँ जाते तो हम जब मंदाकिनी गंगा वहाँ बहती बहुत नीचे, तो हम कपड़े वपड़े निकाल के मंदाकिनी गंगा में स्नान करने जा रहे थे, तो आदर के जो मास्टर साहब हमारे हैं, कौन गुड्डू दादा के पिताजी, अच्छा, इन्होंने कहा कि हम भी चलेंगे स्नान करने, तो हम दोनों लोग नीचे उतर के, बहुत बर्फ का जल होता है मंदाकिनी गंगा में, तो हम दोनों लोग नहाए इनके लोटे से नहाए, तो मास्टर साहब ने कहा कि हमारे घर में भी कहीं किलकारी गूंजे, तो हम लोगों ने कहा कि बाबा केदारनाथ का आशीर्वाद होगा तो जरूर किलकारी गूंजे। परेशान व्यक्ति हर पत्थर पे माथा टेकता है, जैसा कि संदीप वाजपेयी जी ने बताया, वो हर व्यक्ति वहाँ देखो, ये विकास वाजपेयी जी हैं, और लोग कहते हैं, मैं तो नहीं कहता, मैं तो कहता हूँ, ये हमारे बहुत ही करीबी हैं और हमारे पटीदार भी हैं, लेकिन ये तो हमको नहीं मानते, हमको जमींदोज करना चाहते हैं। पे बात करते हैं, लक्ष्मण से बात करते हैं, फोन में व्यस्त हैं, प्रतिनिधि हैं, तो तमाम प्रकार के काम और लोगों की समस्याएं आती हैं। आशुतोष मिश्रा जी बताएं क्या हाल है, कैसे यहाँ आना हुआ? अखिलेश वाजपेयी बड़े भाई दादा गुड्डू वाजपेयी जी को पुत्र और पुत्री रत्न बीते 27 दिन पूर्व नवरात्रि के समय उनको प्राप्त हुआ है, बधाई देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल के साथ पढ़ते हैं। निशान सिंह हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, क्योंकि बात करते हैं और ये काफ़ी समर्पित और अच्छे व्यक्ति हैं। वीडियो बना ले, बहुत बड़ी हस्ती यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो महमूदाबाद नरेश भी हम कहते हैं और कह भी सकते हैं, और शिक्षा के जगत में वास्तव में वो शब्द नहीं है, और इतना मैं अभिभूत हूँ कि आज इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ इस पंडाल के नीचे दिखाई दे रही हैं, जिनके बारे में कह नहीं सकता। रमेश चंद्र वाजपेयी जो कलमकार भी हैं और निष्पक्ष वास्तव में गरीबों के मसीहा भी हैं, लेकिन हम थोड़ा यहाँ पंडाल के नीचे वो मिले हुए हैं। अपने चैनल के साथ हम बात करते हैं कि उनकी जो चेहरे की मुस्कान वो बता रही है कि वास्तव में इतनी खुशी कभी नहीं देखी। थोड़ा बात करते हैं इस बात में, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है कि उनके परिवार से ही जुड़े हुए हैं, जिनके सौजन से आज हम यहाँ पर इकट्ठा हैं। सर, कैसा महसूस कर रहे हैं और कहाँ आए हैं, क्या मामला है? इतनी खुशी है कि हम उसको कह नहीं सकते। भोलेनाथ की और माता रानी की असीम कृपा से जो हम लोग बहुत दिनों से चाह रहे थे कि हमारे भतीजे को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, और वंश तो पुत्र पुत्रियों से ही चलता है, लेकिन दोनों प्राप्ति होगी। आप देखिए भगवान की कृपा के हो, पुत्री और पुत्र दोनों एक साथ, और पुत्री जो है ना वो 5 फुट बड़ी है, माने जो भाई है उसको बहन के पैर सुने। किस कदर से गदगद हैं रमेश चंद्र वाजपेयी, सीता इंटर कॉलेज के प्रबंधक और शिक्षा जगत का नाम उजाला कर रहे हैं, वास्तव में देख सकते हैं वो फूले नहीं समा रहे हैं, बात करते हुए उनका गला रुन जा रहा है खुशी से। मुझे लग रहा है कि सभी बड़ों का आशीर्वाद और भोलेनाथ की भगवान की असीम कृपा है, और ये कृपा मेरे भतीजे, मेरे पोती, मेरे पोते और हमारे पूरे खानदान पर बनी रही है। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं भगवान के आशीर्वाद, और निश्चित रूप से जीवन में तमाम अवसर आते हैं खुशी के, लेकिन उसमें ये बहुत बड़ा अवसर है, बड़ा अवसर है। हर व्यक्ति अद्भुत है, शब्दों में नहीं कहा जा सकता। शब्दकोश नहीं, रमेश चंद्र वाजपेयी सीता इंटर कॉलेज के प्रबंधक बोले कि वो शब्द नहीं है, और यहाँ पे तीनों महान हस्तियाँ दिखाई दे रही हैं, और जिनके सौजन्य से, जिनके शरीर से इतना बड़ा जनसैलाब दिखाई दे रहा है। रंजन वाजपेयी मिश्र वाजपेयी जी जो देख रहे हैं, आज उनके चेहरे की मुस्कान बता रही है, सूबेदार वाजपेयी भी जी मौजूद हैं यहाँ पे, और वास्तव में आप देख सकते हैं काफ़ी हर व्यक्ति खुशी से झूम रहा है, गदगद है, और हमारी खबरों को आप शेयर करें। सेल्फियों में मस्त रहते हैं और एक दूसरे को जो है सेल्फी लेकर के काफ़ी एक अपने को दिखावा करते हैं, लेकिन यहाँ की सेल्फी कुछ अलग ही नज़ारा दिखा रही है वास्तव में। और यहाँ पे हमारे गांव के और बासिंदा और काफ़ी जागरूक और विधानसभा का इलेक्शन भी लड़े विजयनाथ अवस्थी जी भी दिखाई दे रहे हैं, और काफ़ी कुनबा है, लेकिन यहाँ पे वो बात लागू नहीं होती है। कुछ लोग सेल्फी लेकर ब्लैकमेल करते हैं नेताओं के, सफेद खतरधारियों को और अच्छे अच्छे लोगों के प्रति, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं वो तस्वीरें नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे जो वो तस्वीरें हैं वास्तव में आज खुशियों के हर में डूबी हुई है।
हर चेहरे की मुस्कान बता रही है कि यहाँ पे आज कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है। जो कभी हम कह सकते हैं कि 70 वर्ष आज़ादी के बाद जैसा लोग महसूस नहीं करते थे, और आज खुशियों का इजहार कर रहे हैं। बड़ी बड़ी हस्तियाँ यहाँ पे दिखाई दे रही हैं और चेहरों को मैं भी दिखा रहा हूँ। सेवता के चौकीदार के भाई भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और वो वास्तव में कर्मठ हैं, क्योंकि चाहे बाढ़ हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन अपने साथ में गरीबों के साथ रसोइयों का बना करके भंडारा जो है यहाँ पे करते हैं, और उनके साथ में काफ़ी कार्यकर्ताओं का दिखाई दे रहा है। जो इस पंडाल के नीचे आज दिखाई दे रहा है, जरा तस्वीरों को देख करके आप अंदाज़ा लगाइए कि वास्तव में कि करीब 30 वर्षों के बाद आज पुत्र रत्न और कन्या रत्न की प्राप्ति जो हुई है, और रज्जन वाजपेयी के सुपुत्र अखिलेश वाजपेयी, क्योंकि जो भी है आज इनके बुजुर्गों की देन है, पिताजी की देन है रज्जन वाजपेयी की, और रमेश चंद वाजपेयी उनके परिवार के हैं, और यहाँ पे बड़ी बड़ी हस्तियाँ दिखाई दे रही हैं। जो वो शब्द नहीं है, मैं खुद अभिभूत हूँ इतना कि मैं कह नहीं पा रहा हूँ। हर व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान दिखाई दे रही है और सब बधाई देने के लिए इस पंडाल के नीचे आए हुए हैं। आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से लोग, खबरों का चैनल जरूर है, लेकिन ये भी खबर है कि 30 वर्षों बाद करीब, और उसके बाद पुत्र रत्न की और कन्या रत्न की प्राप्ति हो, और उसके बाद सबसे बड़ी दौलत तो यही है, सबसे बड़ी दौलत है। अगर किसी के कुल का चिराग अगर नहीं तो उसके पास धन दौलत कितना भी हो जाए लेकिन कुछ भी नहीं, पैसा रुपया सब कुछ होता है, लेकिन गरीबी हो अमीरी हो, लेकिन अगर कुल में अगर एक दीपक जलाने वाला है तो सबसे बड़ी उपलब्धि है। और आज पूरा हमारा कस्बा रेवसा अटल चौक, जो अटल चौक नया नाम, ये चौकीदार की देन है रेवसा कस्बा की, अटल चौक जो कस्बा दिखाई दे रहा है, अटल चौक नया नाम, लोगों के मकान तोड़ रहे थे, हम ही आप विरोध कर रहे थे, लेकिन आज उसकी तकदीर और तस्वीर बदली है। जरा देख सकते हैं किस कदर से आज लोग उसमें व्यापार और सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या अभी इसके तत्कालीन में 20 वर्षों में कभी हुआ था? इन्हीं सब बातों की वजह से मैं विद्रोही कहलाता हूँ, लोग मेरे को विद्रोही कहते हैं, इसी वजह से मैं विद्रोही लिखता हूँ, क्योंकि जो तकदीर और तस्वीर बदली है, ये आप देख सकते हैं, जब मकान टूटता है तभी तो अच्छा बनता है। ठीक, विनोद शुक्ला जी हैं, हाथ में काफ़ी है और काफ़ी चर्चित, अपने कर्मठ और ईमानदारी से और अपने कर्मों के पद पहचाने जाते हैं। आज इनकी भी तस्वीर देखी जा रही है, पूरे कैमरे में उनकी तस्वीर कैद है। लेकिन बात करते हैं, कहाँ आए थे आप? मैं आदरणीय दादा अखिलेश वाजपेयी गुड्डू वाजपेयी जी के यहाँ आयोजित समारोह में। क्या था, ऐसा कौन था, कभी नहीं हुआ लेकिन आज आप आए हैं, तो क्या था? के बाद उनको दो बच्चों की, पुत्र और रत्न की प्राप्ति हुई। अच्छा, तो आप बधाई देने के लिए आए? मैं बिल्कुल बधाई देने के लिए। कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, इतना मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि जिसको मैं शब्दों से वर्णन नहीं कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला जी, आपने हर व्यक्ति आज बधाई दे रहा है, और ये रज्जन वाजपेयी जी हैं जो आज पंडाल के नीचे इधर उधर फिर रहे हैं, सबका हाल चाल ले रहे हैं और खुशी से अभिभूत। जी हैं, आज इनकी खुशी का ठिकाना नहीं, आप देख रहे हैं कि नवयुवकों को, जहाँ पे नवयुवकों को सेवा करनी चाहिए, लेकिन सूबेदार वाजपेयी व्यापार मंडल के अध्यक्ष लोगों को अपने हाथ नाश्ता कराते जा रहे हैं इस पंडाल के नीचे। जरा देख सकते हैं इनकी तस्वीर और इनकी भावुकता, इनकी खुशी का इजहार। लाउन अभी जो है शिरकत के इस भंडारे में अखिलेश वाजपेयी के पुत्र रत्न और कन्या रत्न की प्राप्ति हुई, जैसा कि आप देख रहे हैं पूरी तरीके से पूरा पंडाल खचाखच भरा हुआ है। थान गांव और जो है श्योता के मिसी लाल जी हैं और दिनेश गैस एजेंसी के मालिक, जो कि दिनेश की तारीफ जितनी भी की जाए वो कम है। वास्तव में दिनेश गैस एजेंसी के जो इंडियन गैस के वितरक एजेंसी धारक हैं, वास्तव में लोगों की जुबानी बने हुए हैं अच्छाइयों में। ये मिश्रा जी हैं रौसा सच्ची में, जो इनकी पत्नी स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हैं और इस विशाल भंडारे में शिरकत कर रहे हैं आकाश पांडे और
आए थे आप? किसके? गुड्डू भाई। क्या हुआ है कभी गुड्डू भाई? पुत्र रत्न और कन्या रत्न की प्राप्ति पे आए हुए हैं बधाई देने। जैसा कि कहने में सच्चाई है क्योंकि खुशी का इतना इजहार है और खुशी से गदगद है, वो बोल नहीं पा रहे हैं, इस कदर से जो है एक बधाई दे रहे हैं और इस खुशहाली में ये भी शामिल हो रहे हैं। कहाँ आए थे? हम यहाँ पे दावत में आए। किसकी? क्या हुआ है ऐसा? उनके यहाँ दो बच्चे हुए थे, जुड़वा एक लड़का एक लड़की। अच्छा, उसी का जो है आज वो था प्रोग्राम, सताईसा प्रोग्राम वाला, तो उसी में बधाई देना है। बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कितना पूरा कस्बा आज खुशी से झूम रहा है और ब्लॉक रेवसा, क्योंकि वास्तव में जो खुशी का इजहार है वो जान नहीं मिल रहा है। मासा जी कहाँ से आए हैं? बमनेवा से आए हुए हैं गोखलानंद मिश्र जी हैं और काफ़ी हर आदमी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। करने का समय हो, इसको खूब करना चाहिए।